वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एम पॉकेट एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। यहां से ये एप्लीकेशंस गाइस आपको 45,000 तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप एक सेल्ड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट को भी ये एप्लीकेशंस लोन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, हो सकता है गाइस आपकी लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन सेल्ड और यहाँ पर जो है गाइस स्टूडेंट दोनों को जो है लोन प्रोवाइड करती है। उसके बारे में अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो हमें अबाउट दिस ऐप में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर देखोगे तो इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको ये प्रोवाइड करती है फॉर स्टूडेंट एंड सैलरीड अप टू 45,000 RBI रजिस्टर्ड। एप्लीकेशंस भी RBI के द्वारा रजिस्टर्ड है और यहाँ पर ये 45,000 तक का लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड कर सकती है। फर्स्ट टाइम गाइस अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको मैक्सिमम 1,000 तक का लोन अमाउंट मिल सकता है, उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट भी आपको मिल सकता है। साथ में अगर आप एक थर्ड पर्सन है तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मैक्सिमम 45,000 तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है गाइस ये एप्लीकेशंस। बस आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स को प्रोवाइड करना है और इजीली जो लोन है उसे आप अपने बैंक में ले पाओगे। जैसे कि क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि इसमें क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं है गाइस, इसमें बस इतना बता रखा है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप लोन ले पाओगे। स्टूडेंट एम पॉकेट प्रोवाइड लोन फॉर कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज स्टूडेंट आप होने चाहिए, स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं करती है। साथ में आपकी एज भी 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और सैलरीड प्रोफेशनल को भी ये लोन प्रोवाइड करती है और उनकी जो टेक होम सैलरी है वो 9,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कुछ डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, आप इजीली पूरा कर लोगे। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि एम पॉकेट इज़ अ वेरी स्मूथ एंड फास्ट वेरीफिकेशन प्रोसेस इन कंसाइडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन लोन ऐप इन इंडिया। टू अवेल पर्सनल लोन सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आप देख लीजिए। आधार पैन कार्ड मैंडेटरी होता ही है गाइस। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा, वो मैंडेटरी होता है। साथ में लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर या कंपनी या बिजनेस डिटेल्स। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड को तो लोन प्रोवाइड करेगी ही नहीं, ये यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन चूज करते हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट को देना होगा। अभी आप देखिए, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हमने देख लिए। अभी सिंपली हम एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे और यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। पहले आप देख लीजिए एप्लीकेशंस के बारे में, तो 4.4 की एप्लीकेशंस की रेटिंग है जो यहाँ पर बता रखा है और 10 मिलियन प्लस एप्लीकेशंस के डाउनलोड हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है गाइस। सिंपली मैंने एप्लीकेशंस को ओपन किया। अभी हमें कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, लाइक इसमें साइन अप करना है और ईजिली हम जो लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करूंगा, कुछ परमिशंस को मैं एक्सेस दूंगा। अभी परमिशंस एक्सेस देने के बाद में आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने हैं। मोबाइल नंबर आप जैसे ही प्रोवाइड करोगे आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दोगे तो फिर जो है गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP के द्वारा अकाउंट को वेरीफाई करना है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाओगे। उसके बाद में आप देखिए कि कुछ परमिशंस आपसे लेंगे, तो आप आई एग्री पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये कुछ परमिशंस होंगी, तो इन परमिशंस को आपको एक्सेस देना है। अभी आप देखिए कि फास्ट अप्रूवल इंस्टेंट लोन आपको मिल सकता है। अभी लिमिट हमारी अप्रूव्ड नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट करना होगा। गाइस कुछ प्रोसेस इसमें यहाँ पर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो कुछ स्टेप्स आपको हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन बाकी की स्टेप मैं आपको इजिली बताऊंगा। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी, मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे तो उसके बाद में आपसे आपका जो ऑक्यूपेशन टाइप है वो पूछा जाएगा, सैलरीड पर्सन है या फिर स्टूडेंट है। जो भी आप हो या जिसके लिए भी आप लोन लेना चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन चूज करोगे तो आपको सैलरी अकाउंट डिटेल्स से रिलेटेड अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होगी और कुछ प्रूफ भी आपको चाहिए होंगे, जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन में देखा है गाइस या अबाउट दिस ऐप में देखा है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो उसमें आईडी कार्ड वगैरह ये डिटेल्स आपको मैंडेटरी होगी। अभी मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूंगा। अभी आप देखिए कि ये कुछ प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। इसमें आप देखिए कि आपको एक सेल्फी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, KYC इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें से आप देखिए कि हमारी KYC इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड हो चुकी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी हमने काफ़ी सारी प्रोवाइड कर रखी है और टेक ए सेल्फी हमें अप्रूव्ड करनी है, यहाँ पर अपलोड करनी है, ईजिली लोन मिल जाएगा। तो अभी अगर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा तो अपनी ये सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है। बस हमें अपनी जो मदर्स नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है, तो फिर हम नेक्स्ट डिटेल्स पर आ जाएंगे।
अभी गाइस आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, और फिर आपको अपना जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर सकते हो, दोनों एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो इन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपको अपने कॉलेज का पिन कोड प्रोवाइड करना है, कॉलेज का नेम प्रोवाइड करना है, और फिर आपको स्टूडेंट नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे देखोगे फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देखिए कि अपलोड स्टूडेंट आईडी आपको अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो वो अपलोड कीजिए, नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा गाइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हैं आप तो आपके पास ये आईडी होनी ही चाहिए। इसमें अपलोड स्टूडेंट आईडी, तो आईडी में आप अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, और इसमें ये जो है गाइस जेपीजी पीएनजी या जेपीईजी को सपोर्ट करेगा। तो इन्हीं में आपकी जो फाइल है वो होनी चाहिए, मतलब अगर फ्रंट साइड भी आप अपलोड करोगे तो चलेगी, बैक साइड ऑप्शनल है, तो अगर बैक साइड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कीजिए। तो फिलहाल यहाँ तक की डिटेल्स स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में कन्फर्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद में केवाईसी इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या पूछेगा, वो फिलहाल यहाँ पर अपनी केवाईसी रिलेटेड डिटेल्स ही पूछेंगे। इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल्स आपको देनी होंगी। फिर आपसे एक सेल्फी पूछेगा, तो सेल्फी आपको क्लिक करनी है और फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाओगे। सारी डिटेल्स जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, केवाईसी की भी पूरी हो चुकी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमारी 80% कंप्लीट है, वो टेक ए सेल्फी भी हमने कंप्लीट कर रखी है। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, मतलब बस हमें अपना आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है, और इजीली आपको कंप्लीट एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है। मतलब जब आपकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहां पर ऑप्शंस मिल जाएगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, कुछ टाइम वेट होगा, वेटिंग होगा, और इजीली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी और आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप इतना लोन अमाउंट इजीली ले सकते हो। तो इस तरह से गाइस आप एम पॉकेट एप्लीकेशंस में लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। ये एप्लीकेशंस स्टूडेंट को इजीली लोन प्रोवाइड करती है गाइस, वो भी 3 इजी स्टेप्स में। 500 रुपये से लेके तो 45,000 तक का आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। टेन्योर भी इसमें बढ़िया मिल जाता है आपको, इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को और थर्ड पर्सन को, वो भी 45,000 तक का गाइस। 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी एप्लीकेशंस में। तो ये कुछ डिटेल्स है और कुछ डिटेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इन डिटेल्स को फॉलो करके आप एम पॉकेट में इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।